उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया है, जहां इवनिंग वॉक पर गई युवती के साथ एक युवक ने छेड़खानी की। शहर के बीचों बीच स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में अपनी सहेलियों के साथ इवनिंग वॉक पर आई एक छात्रा से एक मनचले युवक ने छेड़खानी कर दी, जिसके बाद युवती ने शोर मचा दिया। घटनास्थल पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद युवती ने आरोपी युवक की बेल्ट के साथ पिटाई कर दी। उसके बाद में छेड़खानी का शिकार हुई छात्रा ने भी मनचले युवक को बेल्ट से जमकर पीटा। मर्दानी के मनचले युवक को बेल्ट से पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। कर्नलगंज थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक नशे की हालत में था। इस मामले में एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी का कहना है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी संवेदनशील स्थान है और महिलाओं की मूवमेंट इलाके में रहती है, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। एसएसपी ने कहा कि थाना प्रभारियों, सीओ और एडिशनल एसपी के साथ प्रतिदिन पेट्रोलिंग की जा रही है। एएसपी ने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना बनी रहे और उनके प्रति होने वाले अपराध रुके, इसीलिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और जिले में गठित किए गए एंटी रोमियो स्क्वाड को भी एक्टिव किया गया है। त्रिपाठी के मुताबिक शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया और उसे गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। किसी लड़की के साथ मारो। अरे हमको नहीं, कोई बात नहीं, सब है ना तुम्हारे साथ, परेशान ना हो, सब है तुम्हारे साथ। किसी लड़की के साथ मारो। अरे हमको नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।